बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। जितने भी आप जम्मू एंड कश्मीर में काम कर रहे हैं डेली विजर्स, आप इस वीडियो को देख रहे हो, आप सभी के लिए जो एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ चुकी है। तमाम जितने भी जम्मू एंड कश्मीर में काम कर रहे डेली विजर्स इस वीडियो को देख रहे हो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी की रेगुलराइजेशन को लेकर, आप सभी की सैलरी को लेकर, आप सभी की पेंडिंग वेजेस को लेकर जो है एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ चुकी है। एक बार फिर से यहाँ पर जो है डेली विजर्स का एक स्टेटमेंट सामने निकल कर आया है, जिसमें उन्होंने बताया कि क्या कुछ यहाँ पर वो आगे करने वाले, क्या वो आगे कंटिन्यू प्रोटेस्ट करेंगे या नहीं, क्या उनकी रेगुलराइजेशन जो पॉलिसी की मांग है, क्या उस मांग को यहाँ पर माना जाएगा या नहीं, क्या डेली विजर्स की पेंडिंग वेजेस को रिलीज किया जाएगा या नहीं, आगे इस बोर्ड में जान लीजिएगा। लेकिन ये सब जानने से पहले चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपके रिकॉर्डिंग कोई भी अपडेट सामने निकल कर आती है सबसे पहले जो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर अपडेट टाइम टू टाइम प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए पहले एक नज़र आप इस अपडेट पर डालिए, क्या कुछ जो आप सभी के लिए सामने निकल कर आया है, फिर जो हम आगे बात करेंगे। पहली डिमांड साड़ी ही SR 64 था रेगुलराइजेशन, दूसरी डिमांड ही 72 महीने कहीं जहाँ 75 महीने कहीं जहाँ 85 महीने का पेंडिंग कहीं डिवीजन पेंडिंग, तीसरी साड़ी डिमांड ही के जिला साथी 60 साल का रिटायर हो घर कर गया तो उस साथी का पेंडिंग दिता जाए, प्लस अगर पीएम आवास योजना प्रधानमंत्री आवास योजना तहत उन्हें बेनिफिट दिया जाए या उसको प्लाट नहीं है उन्हें 5 मरला प्लाट भी देते होंगे। साढ़े बड़े सारे साथी हैं जो किराए खजल हो गए डेली वेजर, जिन्हें आप जिंदगी सब कुछ बेची उड़े, अगर है ही उनके को उन्हें बेच के या बच्चे पढ़ाए या अपनी बेटियां शादी कर हटे, आज उन्होंने को दरबदरी है। चौथी सारी डिमांड ही अगर साथी जरा भी साथी डेथ होगी जो शहीद आख रहे हैं फैमिली के एक मैंबर नौकरी दी जाए उसका पेंडिंग जिन्ना दिता जाए, ये चार पांच निकी निकी डिमांड है जिन्हों 320 लोग डेथ केस जे साड़िया साथियों दिया बेवा उन्होंने 320 लोगों को पेंडिंग पिछले बार असर दवाया जदोजहद शुरू हो जिले और जिसे असर 22 जून 2022 अपनी जदोजहद शुरू की सू साल दिया चार या पांच तनखा थी अज सू 12 तनखा तो थोड़ा दी उस जो सा पेंडिंग है पेंडिंग की भी सारी गलबात 5 तरीक साली कारवास वास्तव ने बुलाया हा और उन्होंने आया कि हम पेंडिंग की तरफ ही जा रहे हैं उसे उन्हें आग रखा कि साड़ी पहली डिमांड जी है और रेगुलेशन तू रेगुलर प्रोसेस स्टार्ट करो जो सारी डिप्रेशन करने सारे साथी डेथा हो रही या सुसाइड कर रहे या 50 परेशान की परेशानियां बन रही उन्हें या किसी बच्चा बारहवीं पास करी है उन्हें हायर स्टडी को जवान है वो किए जाग या किसी साथी बची जवान है आज की हिसाब यह कि समाज डेली वेजर बच्चे ने कोई रिश्तेदारी नहीं करता उसका कारण क्या है भरा नहीं बुलाते उसी सारा पिछे एक साथी सुना था कि एक बड़ा ऑफिसर है उसका भरा डेली वेजर है उन्हें अपने बच्चे शादी की उसी कारण नहीं पाया साड़ी समाजिक तौर से फाइनेंशियल तौर से साड़ी बड़ी मान याद आता कि सरकार एक फैसला करे चाहे साड़ी डिपकॉम साहब गल हुई या 11 नवंबर 2020 अस एस जी साहब को गए साढ़े कने भारतीय जनता पार्टी स्टेट के प्रेजिडेंट अरविंद रैना जी जुगल जी है संत साढ़े मैंबर पार्लीमेंट अस उस भी एस जी साहब के आ गए सरकार असें अपना स्टैंड क्लियर कर अगर तुम नहीं पक्के करना तो सारा पेंडिंग दो कटो अस दंगा पानी क्या चलाते कोविड देखो दिन रात सारे लोग 24 घंटे 48 घंटे नहीं 5 दिन नहीं 2 महीने सारे साथी घर नहीं गए वो स्टेशन पर होंगे ने दिन रात सप्लाई का काम दिता जिथे 500 लीटर पानी लगता जिस कार उथे 1000 लीटर 2000 लीटर लगा और साढ़े साथी टैंक चलाते उस लाके उनका कोई रिश्तेदार नहीं आता जो पार्सल किए सारे साथी जाके पानी घर पाते रहे फिर भी आज सोचना पड़ता तुस करते हो पानी तुस करते हो भलाई का काम करा करते हो गलबात भी तुंदी प्रशासन करने होंगी है टेबल तक गलबात पुजती है मेल भी तुंदे च जगदी है अड़चन कुत्थां आउंदी है नहीं देखो मैं तुसें गल सुनावां कि जिसलै अगर एल जी साहब ने साडा वादा किया तो उस टाइम असें सोचा कि बस डी डी सिलेक्शन बाद कार्रवाई शुरू है लेकिन कुछ ऑफिसर ऐसे जो अपने आप को सुपर एल जी समझते हैं उन्हें क्या करना उन्हें बैक फीडिंग चाहे दिल्ली करनी चाहिए चाहे एल जी साहब करें ए जी बैक डोर लगे थे ए फ्रंट डोर लगे देखो उइयो अफसर जिले पीडीडी का रेगुलेशन मसला आया पीडीडी वाले 24 घंटे सारा सिस्टम बंद कर जम्मू कश्मीर उन्होंने 20,000 पोस्टा अनाउंसमेंट की अस इन्हें 20,000 पोस्टा देने तुम दस पीडीडी साढ़े तरीके लगे थे म्यूनसिपैलिटी लोग रेगुलर हुए वो भी साढ़े तरीके लगे थे या माननीय जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट लोग लगे वो भी साढ़े तरह रेगुलर हुए और यह मसला आज का नहीं है ये 1994 के बाद देखो 94 बाद अगर पढ़े लिखे लोग जो है वो सरकार ने रैबरेज तलीम तक एडजस्ट किए उस बार एग्रीकल्चर जो टेक्नोक्रेट है और रैबरेज ज्यादातर एडजस्ट किए सारा कसूर क्या है साढ़े उसे प्लानिंग बनने प्रोग्राम बनना चाहिए वन टाइम सैटलमेंट होनी चाहिए अगर प्रधानमंत्री जी पूरे दुनिया च लोगों गरीब मुखरे पैसा दे जम्मू कश्मीर से साढ़े अपने लोग डेली वेजर और प्रधानमंत्री जी
जो ललकार रैली जम्मू कश्मीर 2014 हुई जिले इलेक्शन कमेटी चेयरमैन उसने उन्हें बोलिया उनके सामने दसा है कि जम्मू कश्मीर धारा 370 तो बाद अगो बड़ा मुद्दा है ते इन्हें डेली वेजर का 60,000 असें उम्मीद की थी और लोगों बड़ी चढ़ी है 2014 90% डेली वेजर ने बीजेपी की वोट पाया अस बीजेपी की लीडर थोड़े माध्यम आखने कि तुम अगर अमित शाह जी का गल नहीं करते थोड़ा मुंह दही जमी जाता वो अपना मैनिफेस्टो सोचो नहीं तुम हर मैनिफेस्टो रखते हो कि अस जी आगे अस तुम रेगुलाइज करके आज की डेट देखो हालत क्या है अस लोग दर दर खजलो दो मीटिंग 3 मीटिंग उस लास्ट ही बीजेपी ने एक कमेटी बनाई दो त्रे मंत्री है पीएचई बाकी मिनिस्टर है असें सोचो यार बिल्कुल सीरियस हो वो कमेटी कुछ है और मंत्री है और रिपोर्ट कुछ पुजाई नहीं पुजाई उसका कोई ज्यादा पता नहीं है ये जिन्ना भी संघर्ष है अगर पीएचई डेली वेज रही 12 महीने तनखा मिला दी है या 300 डेथ कैसे पैसा मिले 320 कैसे या जो परसों 6 तरीक लेटर निकलिया कि जो लोग रिटायर हुए या जो डेथ हुई थी उनकी डिटेल दो अस उनका पेंडिंग कोशिश करें बना दे ये सब पीएचई इंप्लाई यूनाइट फंड की मेहनत है एजुकेशन का नतीजा उसे पोलिटिकल पार्टी तरफ कोई फायदा नहीं देखो मैं तुझे सुनाया पेंडिंग कुछ 70 महीने का कुदा 75 महीने का कुदा 85 महीने का कुछ डिवीजन अलग अलग तरीके ने जिस तरह आई टी आई उनका घट पेंडिंग होगी 25 महीने पेंडिंग होना या बाकी लैंड केस उनका घट होना लेकिन मैक्सिमम जो गिनया कि 70 तो लेइए 85 महीने तक पेंडिंग है अब सरकार कोई गल कट्ठा नहीं दे सकते दो किसान लेकिन किस्त नाल देना देना अस रेगुलर प्रोसेस स्टार्ट करो देखो बीजेपी वाले की परेशानी देखो क्या है कि हालत उनकी जो एस आर ओ 520 उनके टाइम बनया पीडीपी उनके टाइम बनया वो इंप्लीमेंट नहीं करा पा दे हालत इन्नी माड़ी है उसके नाल क्या है कि सर अस पक्का नहीं होवा दे उसने कि तैयारी थोड़ी बढ़ जानी वेजेस इनहांस हो जानी तो चलो जो थोड़ा बहुत बच्चे बंदा आराम नाल रोटी खाई सकता या थोड़ा बहुत पढ़ा सकता आज की डेट 9 तक जा रोटी खा लो या बच्चे पढ़ाई लो वो त्री चीज कोई है नहीं सब लेकिन इस तरह जदोजहद करना कि साड़ी खलासी हो जाए जो डेली वेज नहीं लगेगा पी एच ई या कुछ नहीं लगेगा वो भी तो बच्चे पाला था कोई और काम कर लगे इस जलाद को तो परे हो गए नहीं कम ये तो कोई नहीं आखिर कि भाई डेली वेज है बच्चे रिश्तेदार नहीं कर रही या ये बहना उठानी है या ये बच्चे खेलना नहीं है सारे बस परेशानी है बड़ी बड़ी बनी दी है इस बाबत कोई उच्च अधिकारी कोई गलबात देखिए जी कावरा साहब जिथे जिथे रहे पहले इस तू पहले असें सुने भी है दिखे उनके डिपार्टमेंट लोग रिफॉर्म्स किए थे लोगों मदद की साढ़े कहना 2-3 मीटिंग होंगे हुई और उन्होंने मीटिंग असें यही लगे कि इस लेवल का आदमी कोई झूठ बोल उन्होंने जो गल उन्होंने कहा मैं काम करके बताऊंगा मैं आपसे वादा नहीं करता उन्हें कई असें प्रपोजल भी दसे कि किस तरह रेगुलर होता तुम दसो या जज मिशन थोड़ी क्या मदद असा क्या डिपार्टमेंट का कोई काम है अस दिन रात मदद करने तैयार हाँ लेकिन उससे अलावा साड़ी जरा दिहाड़ीदार साड़ा पेट भुखा साढ़े बच्चे स्कूल कटे जा रहे ये सारी साड़ा भी ख्याल किया जाए तुम अपने प्रोजेक्ट करोड़ों अरबों चला दो अगर जल जीवन मिशन माननीय प्रधानमंत्री जी ड्रीम प्रोजेक्ट है ये साढ़े भी ड्रीम है कोई अस पिछले 25 साल ड्रीम देखा सुपने देखा दें ये सरकार आई असें रेगुलर कर बीजेपी ने 2014 बड़ा शोर बचाया बस असें आन दो अस तुम रगड़ाई करोगे लेकिन अज की हालत देख लो उस पर गल करो नहीं असें बायोमेट्रिक आया अस इंदे कन्ने भाई केड़े कन्ने हो 9-10 साल तो होइए केड़े कन्ने हो तुस आज ही आश्वासन तुसेंगी पॉलिटिकल पार्टियां भी दिंदियां ते तुंदे जेड़े उच्च अधिकारी ओ भी दिंदे ने बाद च जिस वेले गल आउंदी है किश देने दी ते उस वेले परतिए तुस लाल उपर देखो मैं इस ना असें इसे करी हड़ताल चुकी है नहीं असें एजुकेशन तेज करी उन्ने ने ते जिथे कदों गलबात होंदी क्योंकि इस तो पहले जे चीफ सैकटरी साहब है उन्हें तो कसम खाधी थी कि मैं कुसे गरीब थाली रुट्टी नहीं वाणी उहदे डेली वेज भी आहे लेकिन उनके चीफ सैकटरी साहब आए उनके फादर डुल्लू साहब के इतने पहले चीफ इंजीनियर ऑफिस वो इतने बैठे थे अगर थले कोई दो बंदे भी होते ना खड़े होते कोई नारेबाजी करते पूछते बताओ क्या परेशानी है और उनके टाइम लोग रेडलाइज भी हुए इस तरह से चीफ इंजीनियर होते हैं अज भी साड़ा चीफ इंजीनियर बड़ा अच्छा है कि साड़ी गल दूर तक पहुंचाता लेकिन ऊपर अफसर ऐसे बैठे थे एल जी साहब पीछे ऐसा कह रहा नहीं ये हो जाएगा ये कोर्ट से आ जाएगा भाई एक कोर्ट आर्डर तुम गल कर दो।